और अब बात पाकिस्तान की। ईरान ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। सुन्नी आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में जैश अल अदल कमांडर इस्माइल शहबख्श समेत कई आतंकियों को मार गिराया है। पहले एयर स्ट्राइक, फिर मिसाइल अटैक, और अब कमांडो ऑपरेशन। पाकिस्तान में घुसकर ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक। अटैक मोड में ईरान, दहल रहा है पाकिस्तान। ईरान जब तक तोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। जनरल मुनीर का भय, स्ट्राइक के आगे युद्ध तय। पाकिस्तान में एक बार फिर कोहराम मचा है, बारूदी धमाके हुए हैं, मशीन गन से बारूद बरसा है, फुल फ्लेज्ड कमांडो ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। स्ट्राइक की है ईरान ने, वो भी पाकिस्तान में घुसकर। ईरान ने पाकिस्तान की जमकर पिटाई की है, बहुत मारा है, वो भी बड़े बेखौफ अंदाज में। ईरान के कमांडो ऑपरेशन से सहमा पाकिस्तान इस हमले की पुष्टि तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि ईरान की मीडिया ने खुद इस सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने जहां अटैक किया, जिसे मारा है, जिस अंदाज में मारा है, उसकी एक एक डिटेल सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडो ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक के टारगेट पर उग्रवादी संगठन जैश अल अदल के अड्डे थे। ईरान के कमांडो ऑपरेशन में जैश अल अदल का टॉप कमांडर इस्माइल शाह बख्श ढेर हो गया। इस्माइल के साथ कई और लड़ाकों को भी ईरानी कमांडो ने मार गिराया है। मतलब ये कि ईरानी कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर धुआं धुआं कर दिया। इस हमले की जानकारी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने पूरी दुनिया से साझा की है। हमले की जानकारी शनिवार की सुबह दी गई, यानी ऑपरेशन शुक्रवार को अंजाम दिया गया, वो भी फूल प्रूफ प्लानिंग के तहत। इसलिए नतीजे भी बेहद असरदार मिले। एक तरफ ईरान अटैक मोड में है, खुल्लम खुल्ला अटैक का ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान हमले का करारा जवाब देगा, जैसा कि वो पहले भी कर चुका है। इस हालत में दो मुल्कों में बारूदी तलवारें खींचने की नौबत भी आ सकती है। पाकिस्तान में आज की तारीख में कोई हुकूमत नहीं है। चुनाव के बाद के पाकिस्तान में गठबंधन के नेता तो तय है, लेकिन अब तक ताजपोशी नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल में जनरल आसिम मुनीर जंग छेड़ना नहीं चाहते, नहीं तो अब तक ईरान के हमले का जवाब शायद दे दिया जाता। तो क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा, बार बार मार खाता रहेगा? ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान के जनरल ईरान से टकराने का सही वक्त तलाश रहे हैं। अटैक कैसे और कब होगा ये तय है। पाकिस्तानी सेना को बस ऑर्डर का इंतजार है। उधर ईरान ने भी सैन्य तैयारी पूरी कर रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पाकिस्तान में टेंशन का ये दौर लंबे अरसे से जारी है। ईरान वार करता है तो पाकिस्तान भी पलटवार करने में देर नहीं लगाता। 2024 की शुरुआत से दोनों देशों में बारूदी टकराव शुरू हो गया था। और चलिए इसी के साथ पांच की आज में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए, गाड़ी बुला रही है हमारी खास पेश।